गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल मम्मा विद ट्रिपलेट्स। आज हम अपने ट्रिपलेट्स के साथ, ट्रिपल बेबी के साथ जा रहे हैं नैनीताल। आपको दिखाएंगे, पूरा ब्लॉग देखिए, एंड तक बने रहिए। गाइस, हम सब रेडी जाने के लिए, निकलने वाले हैं। ये पीकू मेरे साथ है। गाइस, ये फर्स्ट ट्रिप है तीन बच्चों के साथ नैनीताल जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तक हम इतने लंबे सफर पे तीनों बच्चों को लेकर नहीं गए हैं। गाइस, अभी मझोला में ही है ना। तो गाइस, आज हमने जाने का प्लान क्या बनाया, मौसम भी हम पे हो गया है मेहरबान, इतना मस्त मौसम है आज, बहुत ही मज़ा आने वाला है। जी अरसल राजा हमारे राजा जी हैं, और ये अपने पापा की गोद में सो गए हैं। ये है मम्मा की जान पीको, ये हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ये मैडम को निन्नू नहीं आ रही है, इन्हें बहुत मज़े लेने हैं पूरे रास्ते के, इन्हें मज़े लेने हैं ये। और ये बैठी स्टाइल देखिए, इनका बैठने का स्टाइल, सीट तो भी इन्हें चाहिए, गोदी में इन्हें बैठना ही नहीं होता है। ले ली हमने सितारगंज में एंट्री। पीकू को बिल्कुल भी निन्नू नहीं आ रही है, बाहर के नज़ारे देख रही है। इधर देखो बेटे, पीकू इधर देखो, फोन में इधर देखो, देखो एक बार तो देख लो बेटा, देख लो। बाहर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फ़ोन से ज़्यादा मूड नहीं है मैडम का। ये देखिए गाइस, क्या आप वो देख पा रहे हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ? वो देखिए, यहाँ से ही पहाड़ दिखने लग गए हैं। ये देखिए जंगल है, चोर गलिया का जंगल, ऐसा लग रहा है कि रात हो गई यहाँ पे, इतनी शाम लग रही है और इतनी सुबह है, शाम लग रही है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा लग रहा है एकदम, इतना घना हो रहा है। अभी बजे हुए सुबह के 8:30 बज रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रात हो रही है। गाइस, ये इतना घना है कि मतलब ऊपर से तो उजाला ही नहीं आ रहा है। ये वाइट से शेडो पता नहीं क्यों आ रही है, जिसका मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे इतना आइडिया नहीं है इसका। ये देखिए कितना घना जंगल है सब। गाइस, ये देखिए रोड पे चल रहा है पानी, और कभी कभी, हाँ पापा इधर देखिए, बताओ क्या होता है यहाँ पे, गाड़ियाँ यहाँ पे। गाइस, जब ज़्यादा पानी होता है ना, ये देखिए अभी तो यहाँ सूखा सूखा है, ज़्यादा कुछ बारिश आज हुई नहीं है, बट ये यहाँ से पानी इधर से आता है, रोड पे बहता है पानी और उसके साथ गाड़ियाँ भी बह जाती हैं, इतना पानी होता है। एक बार हम खुद आए थे एक बार इतने हैवी फ्लो में यहाँ पर। गाइस, ये देखिए सीन,
यहाँ पे भी पानी है रोड पे आता है, बट थोड़ा ही है पानी। तो बस आ रही है गाइस, और मैंने हाथ निकाल रखा है कार के बाहर। ये देखिए पानी रोड पे है, ये रोड है, रोड पे पानी है। बच्चे तो बहुत ही मजे ले रहे हैं। ये देखे अंशु को देखे, ये देखे, ये देखे गुड्डा जी को देखे क्या कर रहे हैं। वो गुड्डा जी को खिड़की से बाहर जाना है, वो पापा से जिद कर रहे हैं खिड़की से बाहर जाने। अब पीकू को निन्नू आ रही है, पीकू निन्नू आ रही है बेटे। हाँ ये मैडम सुबह की जगी हुई है। यहाँ पर हमें एक्चुअल में शेर तो नहीं मिला मुझे, लेकिन हमें एक बार हाथी जरूर मिला था इस जंगल में। मज़ा आया था, चिड़ियाघर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने यहीं देख लिया था। डर लगता है यार खुले में, है ना, ये चिड़ियाघर में तो पिंजड़े में होते तो इतना पता नहीं चलता है, जंजीरें वंजीरें लगी होती हैं उनके। यहाँ तो खुला था, तो फिर हम लोग हाथी से भी डर गए थे बहुत ज़्यादा, जैसा शेर होता है ना, शेर वाली फीलिंग आ रही थी। देखा गाइस आपने, हाथी आ जाएंगे ओनली 35 किलोमीटर्स। ये देखिए ये कहाँ पे आ गए हम, काठगोदाम में क्या? ये देखिए गाइस व्यू देखिए व्यू। ये है बादल पहाड़ों के साथ, ये देखिए रोड पे आ गए एकदम बादल। अरे बेटा जी क्या हो गया, गोल गोल चढ़ता यार ऊपर। अशोक आ गई खांसी आ गई। ये देखिए गाइस व्यू देखिए व्यू व्यू व्यू। ये है बादल पहाड़ों पर, है बादल, क्या व्यू है। ये देखिए गाइस वहाँ नदी है नीचे, आप देख पा रहे हैं, वो देखिए वो पहाड़ों पे छोटे छोटे से घर, बहुत ही प्यारे लगते हैं। दिल इन्हें देख के दिल करता है ना यहाँ पे एक छोटा सा घर बनाओ और मस्त जिंदगी काटो। बट गाइस यहाँ पहाड़ी जिंदगी बहुत टफ है, आसान नहीं है। गाइस देखिए व्यू देखिए, ये घर है पहाड़ों पे बने हुए। तो प्यारे लगते हैं। गाइस देखिए ये है नैनी झील, आज मौसम ने तो चार चांद लगा दिए इस झील में, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। देखिए गाड़ी थोड़ी फास्ट चल रही है, रोक के भी आपको दिखाएंगे। देखिए गाड़ी
गाइस हम आए हैं नैनीताल यूनिवर्सिटी में। एक्चुअल काम तो यहीं पर था, बट हम बच्चों को भी ले आए थे कि थोड़ा घूम भी लेंगे, मस्ती कर लेंगे। अब जब छुट्टी ली गई थी तो मज़ा उठा लेते हैं। ये है गाइस यूनिवर्सिटी हमारी। ये बारिश हो रही है बहुत ज़ोर वाली, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। गाइस एक्चुअली हुआ ये था कि मेरी जो मार्कशीट है ना, उसमें जो एनरोलमेंट नंबर मैंने डाला था वो गलत हो गया था। वो डिग्री मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये हमारा दूसरा राउंड है। दूसरे राउंड में हम एक बार पहले पापा आ चुके हैं और उन्होंने सब अप्लाई भी किया लेकिन डिग्री मिली नहीं पाई थी। अब एनरोलमेंट नंबर ठीक करा के सेकेंड, मतलब कि डुप्लीकेट मार्कशीट एक लेनी होगी, फिर उसको उसकी जेरोक्स लगा के फॉर्म फिल करके दोबारा से सब करना होगा प्रोसेस, उसके बाद यहाँ पे डिग्री मिलेगी। एक्चुअली बारिश हो रही है ना तो मुझे देख के चलना पड़ रहा है, तो आई होप कि डिग्री मिल ही जाएगी। मैंने सिर्फ यहाँ पे सबमिट कर दी है, बट अभी नहीं मिलेगा। जो मार्कशीट है ना मेरी, वो अभी नहीं मिलेगी, 11:30 बजे तक मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि हम वेट करिए 11:30 बजे तक, अभी हो रखा है 10:30 हो रहा है अभी। तो मैं जा रही हूँ, पापा को बोलती हूँ जाके क्या करना है। हम लोग या तो गाड़ी में बैठेंगे या किधरी चले जाएंगे, या फिर देखते हैं यहीं वेट करेंगे क्या करना है। पापा से बोलती हूँ 11:30 बजे जब मार्कशीट मिल जाएगी तो उसके बाद ही डिग्री मिल सकती है, फॉर्म दोबारा से फिल करके ना। आ गए हैं दोस्तों गाड़ी में, कुछ लेने के लगाए हुए थे। गाइस ये मिस्टर हबी के साथ, ये बच्चों के साथ बिजी थे ना तो उनके साथ वीडियो नहीं बन पाई थी। एक्चुअली ये बारिश बहुत हो रही है, पता नहीं आपको आवाज़ सही से मेरी आ भी रही है कि नहीं आ रही है। की आवाज़ सुनिए आप, बारिश हो रही है तेज। गाइस ये देखिए यहाँ पे ये है कैंटीन। इसी कैंटीन में जो भैया है ना, उन्हीं को मैंने कॉल करी थी कल, उन्हीं से पूछा था कि यूनिवर्सिटी ओपन रहेगी कि नहीं होगी। ये देखिए ना कितना अच्छा स्टाइल है उन्होंने बनाया, वो गाड़ी ले आओ इधर, ये काट के पेड़ को कोई नुकसान ना हो तो गाड़ी इधर ले आओ, बचाया है इन्होंने। और बिना काटे देखिए छत बना दी है इसकी, सीन है। यहाँ पे बैठ के हम थोड़े ये सर्दी वाले बरसात वाले मौसम का मज़ा लेने वाले हैं, बारिश का गरम गरम चाय पियेंगे। देखते हैं कि क्या बनाया है भैया ने, कुछ बनाया भी सुबह सुबह कि नहीं। मौसम ख़राब है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं, देखिए ना यूनिवर्सिटी पूरी ऐसी है, खाली खाली सा है पूरा। ये कार इधर को लेकर आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे चाय पियेंगे ना, बच्चे हैं भीग ना जाए तो यहीं पे उतरवाएंगे बच्चों को। अरे अरे ये तो मेरे ऊपर ही चढ़ने वाली है, ये तो पूरा बदला लेने वाले आज मिस्टर हबीब मिस्टर। ये पापा ने बचा दी कुर्सी, वरना ये भैया की कुर्सी टूट जाने वाली थी। अभी बच्चों को ही उतारेंगे, अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे प्यारे प्यारे से ट्रिपलेट बेबी को। परेशान हो गए बेचारे गाड़ी से निकलने के लिए ना। ये हमारा छोटा पैकेट निकला बाहर गाड़ी से। हेय पिकू बेटे जाना, ये खुश हो गई है मैडम, मैडम खुश हो गई है गाड़ी से निकलने मिला है ना फाइनली। ये बच्चे कहाँ पैक रहने वाले हैं गाड़ी में। तो मैडम गाड़ी में कुछ खेल रही थी, इनसे ले लिए गए थे, रो रही हैं। इंशु बेटे आप जब बड़े हो जाओगे तो ये देखना अपनी वीडियो, नैनीताल में आके आप रो रहे थे, वह वह रो रहे थे, वह वह वह। ये देखो ये इंशु है, इंशु आप रो रहे हो बेटे। इसे बाहर अंशु पापा दूध पी लिया आपने, ब्रेड ले लिए खाने, ये थोड़ा सा खा के जब तक टाइम हो जाएगा फिर हम मार्कशीट लेके फॉर्म फिल करते हैं। ये अर्सल को ले रखा है उसके पापा ने और यहाँ झील की तरफ जा रहे हैं। आपको गाड़ी में उस टाइम दिखा नहीं पाती
तो हम लोग पैदल जा रहे हैं, फिर आपको दिखाएंगे। और मम्मी रह गई बहुत पीछे, उनसे चला ही नहीं जा रहा है। गाइज हम लेक के पास पहुंच गए हैं, झील के पास। आपको व्यू दिखाती हूँ, ये देखिए पूरा फॉग हो रखा है। आज का तो मौसम इतना गजब है, बट कुछ दिख ही नहीं रहा है कि मैं आपको दिखाऊंगी। पूरे पहाड़ देखिए ना, पहाड़ दिख ही नहीं रहा है, जो यहाँ पे सब फॉग हो रखा है। और ये है झील, आपको यहाँ आपको मछलियाँ दिख रही होंगी। देखिए कितनी सारी फिशेज हैं, कितनी ढेर सारी। और अरसल भी फिश देख रहा है पापा के साथ में। दिखाओ अरसल को, दिखाओ। देखिए फिश देख रहा है पापा के साथ में। और पीकू तो सो रही है मम्मी के पास। देखिए गाइस वो देखिए क्या ऑरेंज कलर की है, इतनी प्यारी लग रही है। बहुत सारी फिशेज हैं देखिए, बहुत सारी। आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए। ये और बाद में दिखाऊंगा तो सही। गाइस देखिए पूरा साफ हो गया है, यहाँ पे जो भी कोहरा टाइप का दिख रहा था अब पहाड़ दिखने लगा। देखिए क्या व्यू है, कितना प्यारा, कितना प्यारा है ये नज़ारा। नैनी झील है, लेक। ये है अरसल। अशु बेटे, तो गाइस हम लोग आ गए हैं जंगल फीस्टा, अंदर जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए ये है एंट्री, यहाँ पे हम पहले भी आ चुके हैं जब हमारी शादी हुई थी। नहीं नहीं घूमने के लिए, एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड का बर्थडे तब आए थे हम यहाँ पे। अब हम अपनी यादें ताज़ा करने के लिए बच्चों को लेकर आए। ये देखिए यहाँ का फोटो एक होगा तो मैं शेयर करूँगी आपको। ये देखिए इस पर, इस तरह से, इट्स सो क्यूट ना। एक यहाँ पर लायन है, वो हटा दिया इन लोगों ने। ये जंगल फीस्टा, ये देखिए गाइस हम लोग आ गए हैं यहाँ पर अंदर कुछ खाने के लिए। बच्चों को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, बेचारे ने शुगर देखो लटकी हुई है यहाँ पर ऐसे। कुछ बच्चों को भी रेस्ट मिल जाएगा। देखिए ये व्यू है अच्छा सा अंदर से, ऐसा ही है। अगर आप लोग भी आते हैं इधर नैनीताल साइड तो यहाँ पे आ सकते हैं, अच्छा है। यहाँ पर कुछ खा पी के और बच्चों को घुमा कर गए। यहाँ बाहर भी बैठने का है, बहुत प्यारा सा। ये पीकू बैठी है नाना के साथ में, अर्शु अर्शु पापा के साथ में, और अंशु मेरे साथ ही है। ये हमें ये व्यू है गाइस, यहाँ से फ़ोटो लेते हैं, बहुत ही प्यारी फ़ोटो आती है। ये देखिए आप, वहाँ रोड है इतनी नीचे। ये देखिए गाइस गाइस हम घर आ गए हैं, बच्चे सो गए हैं, थोड़ी सी एनर्जी भी डाउन हो गई है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि थकान हो गई है बहुत ज़्यादा। वहाँ जंगल फीस्टा से निकलने के बाद कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, इसके लिए सॉरी, क्योंकि
बच्चे बहुत ही परेशान हो रहे थे, मौसम भी ख़राब हो गया था, बच्चों को ठंड लगने लगी थी, नींद लगने लगी थी, तो बच्चे सो भी गए थे उस टाइम पे, हम भी थक गए थे, तो मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बच्चों को अटेंशन की भी ज़रूरत होती है। अब हम घर आ गए, बच्चे सो भी गए हैं, लाइट ऑन करके आपको नहीं शो कर सकती, लाइट ऑन करने पर जग जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड करते हैं व्लॉग को। हमारे चैनल पे जो इंट्रोडक्शन की जो मैं माय फर्स्ट व्लॉग करके वीडियो है उसको भी देखिएगा और प्यार दीजिएगा प्लीज़। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, आप ट्रिपल बेबी के और भी व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट व्लॉग में क्या लेकर आऊँ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।